अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये मसाला जो मैं बना रही हूँ बहुत फेमस मसाला है, बहुत काम आता है, डेली हर चीज पे काम आता है, चिकन के लिए भी, चिप्स पे भी, और जो भी घर में स्नैक्स वगैरह बनते हैं सब में स्पाइसी करने के लिए ये बच्चे बहुत शौक से डाल के खाते हैं। पकौड़े दही भले बड़े जो बनाते हैं उस पर भी, पकौड़ियों पर भी, फ्रूट चाट पे भी, चाट पे भी, हर जगह ये मसाला इस्तेमाल होता है। तो आज हम बना रहे हैं चाट मसाला, बहुत अच्छा बहुत मज़े का है, तो आप बनाएं और ट्राई करें कैसा बनता है। ये मिर्चें गोल वाली, ये तकरीबन 10 ग्राम है, ये लगा लो कि ये इस तरह बन जाएंगी। ये अगर कुटी हुई मिर्चें लें तो ये 3 चम्मच बन जाएंगे इसके। 2 चम्मच ये है ज़ीरा साबत, धनिया भी 2 टेबल स्पून है, सौंफ भी 2 टेबल स्पून है, दालचीनी 1 टेबल स्पून है, और इसमें 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिसमें जिससे इसका टेस्ट बढ़ता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी आती है। ये है पिपली, इसको कहते हैं पिपली, ये आपको कीम से मिल जाएगी, आप उसे कहें पिपली दे दें। ये बादियान के फूल है, ये काली मिर्चें हैं, सब्ज इलायची है, और ये है कबाब चीनी, ये ज़्यादा कबाब के मसाले में जाती है या चाट मसाले में डालती है। ये 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है पिपली के, ये 3 से 4 है, ये 4-5 पीस है। तो ये जो पिसे हुए हैं अदरक लहसुन सूखा हुआ नहीं है, ये ड्राई नहीं है, ये वैसे ही मैंने इसमें डाल दिया, रोस्ट करेंगे तो ये साथ ही हो जाएगा, पिस भी जाएगा साथ। आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर है तो वो डाल लें, सूंठ है और लहसुन का पाउडर है तो वो डाल दें, अगर नहीं है तो इसी तरह डाल लें, ये भी हो जाएगा साथ इसके। ये आमचूर है, आमचूर का पाउडर है 1 टेबल स्पून है, ये कचरी पाउडर है, ये 1 टी स्पून है, ये कलौंजी थोड़ी सी है, काला नमक है, वाइट नमक है, ये अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अजवाइन 1/2 टी स्पून है, ये टार्टरी ये भी 1 टी स्पून है। ये बाद में पिसे हुए मसाले बाद में डालेंगे, पहले उसको रोस्ट करते हैं दूसरे मसालों को, फिर इसमें मिक्स करेंगे ये। तो सारे मसाले डाल के इसको थोड़ा सा रोस्ट करने से इसका जो खुशबू होती है ना मसालों की वो निकल के आती है, अरोमा जो होता है ना मसालों में, वो ऐसे कच्चे मसाले डाल दो वो इतना नहीं आता, अगर इसको थोड़ा सा रोस्ट करके पीसेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, निकल के पता चलता है कि मसाला पीस रहा है या कुछ बन रहा है घर में। बस ये हो गया रोस्ट, खुशबू आनी शुरू हो गई इसकी, बस खुशबू आ जाए तो उतार लें इसको और पीस लें, थोड़ा सा ठंडा करके पीसें क्योंकि मशीन ना ख़राब हो जाए, उसमें डालेंगे इस तरह गर्म तो वो रबड़ उसका ख़राब हो जाएगा। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब इसको थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे, फूड प्रोसेसर लें और उसमें इसको पीस लें, अभी मोटा है, ये बीज सारे इसमें हैं, देखिए ये बिल्कुल मैंने छान लिया इसको, पाउडर बन गया ये अब इसमें जो पिसे हुए मसाले थे, ये आमचूर है, टाटरी है, अजवैन है, नमक है वाइट वाला, ब्लैक वाला, ये कचरी पाउडर है, नमक ब्लैक भी और वाइट भी, इसी तरह से इसको मिक्स करेंगे। देखिए होममेड हमारा चाट मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। आपकी मर्जी, आप अगर इसमें चाहें तो चिकन पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, चिकन पाउडर नहीं है तो वो जो क्यूब आते हैं चिकन क्यूब वो भी इसमें डाल सकते हैं, उसको भी हल्का सा मसल के डाल दें, मिक्स कर दें इसके साथ, नमक अपनी मर्जी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला बिल्कुल हमारा रेडी है, घर में बनाएं इस्तेमाल करें इसको, बहुत अच्छा रहेगा, ये ख़राब भी नहीं होगा, ये तकरीबन 2 से 3 माह चलेगा आपका, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। नमक अपनी मर्ज़ी से आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ये बहुत रिक्वेस्ट थी इसकी चाट मसाले की, और वो दूसरे मैंने जो मसाले बनाए हैं बिरयानी मसाला और कौरमा मसाला, अचार गोश्त है और कढ़ाई मसाला भी है, वो तो पहले बन चुके हैं दोनों मसाले, अब ये 3 आज मैंने बनाए हैं, ये ज़रूर घर में बनाएं, ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें कैसे बने हैं,
और अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत, इस पर बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप इतना तो आपको चाहिए कि कमेंट करें और लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।